हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक है इम्यूनिटी सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इम्यूनिटी सो इम्यूनिटी को हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक शक्ति सो so, इम्यूनिटी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बहुत ही ईजी वे से एक्सप्लेन किया है लेट्स स्टार्ट सो इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द रिजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो इम्यूनिटी क्या होता है इम्यूनिटी हमें कोई भी फॉरन एंटीजन जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमें प्रिवेंट करती है सो माइक्रो ऑर्गेनिजम या फॉरन एंटीजन क्या होता है सो so, एंटीजन वो होता है जो हमारी बॉडी में एंटर होकर होस्ट को अफेक्ट uh, करता है होस्ट यानी जिसमें वो एंटर करता है जैसे कि ह्यूमन बींग जिसमें वो एंटर कर कर डिसीज़ कोज करता है सो so उसकी बॉडी को बैडली अफेक्ट करता है सो so इम्यूनिटी हमें उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है फॉरेन एंटीजन से हमें प्रोटेक्ट करती है सो so ये एक तरह का रेजिस्टेंस है यानी कि बचाव है हमें हमारी प्रोटेक्शन है बॉडी की इम्यूनिटी सो so, दिस resistance प्लेज अ मेजर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ infectious diseases एंड helps कीप्स अस हेल्दी सो मैंने पहले बताया कि इम्यूनिटी हमें infection से प्रिवेंट करती है infection कब होता है जब हमारी बॉडी में कोई भी foreign एंटीजन एंटर हो जाता है तो वो infectious disease cause करता है बीमारी cause करता है जिसको हम infection बोलते हैं और इम्यूनिटी हमें इनसे प्रिवेंट कर कर हमें हेल्दी रखती है नेक्स्ट अब इम्यूनिटी के टू टाइप्स होते हैं एक होता है इेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी सो नेम से ही क्लियर है इेट मीन्स जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है मीन्स हमें जन्म से ही मिलती है और एक्वायर्ड जो हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अक्वायर्ड करते हैं या अडेप्ट करते हैं सो so फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में इन् इम्यूनिटी क्या होता है सो इेट इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल प्रोजेसिस बाय बर्थ सो जो इंडिविजुअल बर्थ से ही पोजेस करता है बर्थ से ही जन्म से ही उसके पास होती है उसको बोलते हैं हम इनेट इम्यूनिटी इट इज़ बाई वर्च्यू ऑफ इज जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप सो ये हमें जीन्स uh, के थ्रू अपने पेरेंट्स से मिलती है सो दिस इज इट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप सो ये जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करती है इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रायर कॉन्टेक्ट विद फॉरन एंटीजन सो so, कुछ इम्यूनिटीज ऐसी हैं जो कि फॉरेन एंटीजन जब एंटर होता है तभी उसकी स्पेसिफिकली बनती हैं लेकिन ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि एंटीजन क्या है ये बर्थ से ही हमें प्रेजेंट होती है सो so, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन इम्यूनिटी को मैकेनिज्म ऑफ इन इम्यूनिटी अब ये इनट इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है सो थ्री वेज है फर्स्ट है एपिथीलियल सरफेस एंटीबैक्टीरियल सब्सटांसिस एंड सेलुलर फैक्टर्स अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट है एपीथीलियल सरफेसिज सो इनट इम्यूनिटी कैसे हमें मिली तो ये पढ़ते हैं फर्स्ट एपीथीलियल सरफेस क्या होते हैं एपीथीलियल सरफेस आउटर सरफेसिज होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के या टिश्यूज़ के या फिर कुछ कैविटीज़ हैं जो हमारी बॉडी में उनके इनर सरफेस इनको बोलते हैं एपीथीलियल सरफेस सो फर्स्ट आता है स्किन सो स्किन हमें बाय बर्थ मिली है ये हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है इम्यूनिटी से इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऑल्सो प्रोवाइड बैक्टीरिया साइडल सिक्रिएशन सो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कैसे एज अ मकैनिकल बैरियर एक्ट करती है सो so, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम एंटर करता है सो so, सबसे पहले वो स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है सो so, स्किन हमें एज अ मकैनिकल बैरियर प्रोटेक्ट करती है प्लस ये बैक्टीरियासाइडल सिक्रीशंस भी सिक्रीट करती है बैक्टीरिया वो सिक्रीशंस होते हैं जो कि बैक्टीरियाज़ को किल करते हैं सो so, जो फॉरेन बॉडीज़ हैं वो बैक्टीरिया वायरस या फंजाए कुछ भी हो सकता है सो so, बैक्टीरिया साइडल सिक्रीशन जो कि बैक्टीरियाज़ को किल करते हैं वो भी ये सिक्रीट करती है द हाई कॉन्सनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन स्वेट अब जो स्वेट है हमारा पसीना है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है जिससे क्या होता है एज अ बैक्टीरिया ये एक्ट करता है द सबेशियस सिक्रीशंस जो भी सीबेशियस ग्लैंड हैं हमारी स्किन के ऊपर वो सीबम लाइक सिक्रीशन मीन्स एक थिक विस्कस सिक्रीशन सेक्रेट करते हैं सीबेशियस सिक्रीशन उसको बोलते हैं वो भी एज अ बैक्टीरियस आइडल एक्ट करते हैं सो so, इस तरह से स्किन हमारी बॉडी से हमें हमारी बॉडी में हमें बैक्टीरियाज और कोई भी फॉरन एंटीजन से प्रिवेंट करती है सेकेंड आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक सो रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे प्रिवेंट करता है द इनहेल्ड पार्टिकल्स आर अरेस्टेड इन द नेजल पैसेज ऑन द मोइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सो हमें पता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है नो से लेके लंग्स तक इसमें म्यूकस प्रेजेंट है म्यूकस एक स्टिकी होता है सो कोई भी अगर पार्टिकल इनहेल हमने कर लिया फॉरेन एंटीजन हमने अंदर सांस के द्वारा ले लिया तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर जाकर चिपक जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन में हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं सो so, ये आप डायग्राम में दे सकते हैं सीलिया प्रेजेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर सो so, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या करते हैं उस म्यूकस मेम्ब्रेन पर जो पार्टिकल अटैच है उसको फेरिंग्स की तरफ मूव करते हैं फेरिंग्स की तरफ हेयर लाइक्स मूवमेंट होती है और वो मूव हो जाता है पार्टिकल फेरिंग्स की तरफ सो so, वहाँ पर क्या होता है या तो ये हम फूड पाइप में स्वेलो कर लेंगे और फीसिस के थ्रू ये पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं अदरवाइज़ हम, हमें हमें कफ़ आती है सो so हम कफ के थ्रू ये पार्टिकल्स को बाहर फेंक देते हैं सो so, कफ़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म एक्ट करता है नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ट्रैक अब हमारी इंटेस्टाइन कैसे एक्ट करती है एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस या फिर एज अ इम्यूनिटी इन नेट इम्यूनिटी सो सलाइवा प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में सलाइवा हैज़ एन इनिबिट्री इफेक्ट ऑन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फ़ाइट करने में अगर हमने कोई भी माउथ से स्वेलो कर लिया है माउथ uh, में एंटर हुआ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम सो सलाइवा में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फ़ाइट कर कर उनको किल कर देती है सेकेंड है एसिडिक पी एच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया अब हमारे स्टमक uh, में गैस्ट्रिक uh, जूस है जो कि एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ एच प्रेजेंस ऑफ एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है सो so, उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूसेस का जो पी एच है वो एसिडिक होता है और एसिडिक पी एच होने की वजह से अगर हमने माउथ से स्वेलो कर भी लिया बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन सो so वो उसमें किल हो जाता है नेक्स्ट है कंजक्टिवा कंजक्टिवा हमारी आइज़ की आइज़ में जो प्रेजेंट होता है कंजक्टिवा सो इसमें क्या होता है कंजक्टिवा जो है अगर हमारे कोई भी बैक्टीरिया आइज़ में चला गया या कोई भी डस्ट पार्टिकल चला गया सो कंजक्टिवा टीयर से करता है सो so, जो टीयर्स हैं मीन्स आंसू हैं जो हमें आते हैं सो so, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ डिफेंस मेकेनिज़्म सो so, ये टीयर्स क्या करती हैं या तो डस्ट को फ्लश कर देते हैं टीयर्स के थ्रू डस्ट बाहर आ जाती है या बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं अदरवाइज़ अगर नहीं भी आ पाते सो तो टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरियाज के साथ फ़ाइट करता है और उसकी सेल वॉल को ख़त्म कर देता है सो so, ऐसे दो तरीके से ही कंजक्टिव या आइज़ में जो टीयर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ इन नेट इम्यूनिटी सेकेंड आता है हमारा नेक्स्ट है जेनाइटो यूरनरी ट्रैक्ट री so, ट्रैक्ट हमारे जेनाइटल और यूरनरी ट्रैक्ट कैसे एक्ट करते हैं एज अ इन इम्यूनिटी सो एज एट इम्यूनिटी फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट बैक्टीरिया फ्राम द यूरेथ्रा जो यूरिन हम पास करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन का पीएच एसिडिक होता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है और जो भी बैक्टीरिया अगर यूरेथ्रा में चले गए हैं सो यूरिन के थ्रू वो फ्लश हो जाते हैं सेकेंड एथ एसिडिक पीएच ऑफ विजाइनल इन फीमेल अब फीमेल का जो वेजाइना है वहाँ का जो पीएच है वो एसिडिक होता है सो एसिडिक पीएच किस वजह से होता है क्योंकि वेजाइना में जो नॉर्मल फ्लोरा है वो लेक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सो so, लेक्टोबैसलस बैक्टीरिया क्या करते हैं ग्लाइकोजन की फर्मेंटेशन करते हैं फर्मेंटेशन की वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है नॉर्मल फ्लोरा है वो एसिडिक रहता है और एसिडिक रहने की वजह से वहाँ जो भी एंटीजेंस हैं वो किल हो जाते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एपिथीरियल सरफेस अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीबैक्टीरियल सब्सटांसेज अब कई बार क्या होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि हमने सारे पढ़े स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक जनाइडो यूनरी इन सब को बैक्टीरियल क्रॉस कर लेते हैं अगर उनको क्रॉस कर लिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बैक्टीरिया ने देन हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम आते हैं जो कि है हमारे एंटीबैक्टीरियल सब्सटांसेज एंटीबैक्टीरियल सब्सटांसिस इसको पढ़ते हैं बिसाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन देर आर नंबर ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटांसिस प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्य लाइक प्रोपेडिन कॉम्प्लीमेंट लाइसोजाइम एट्सेट्रा सो हमारे ब्लड एंड टिश्यूज़ में कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटांसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं मीन्स ऐसे ही वो हमारे टिश्य में घूमते रहते हैं और कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस या फंजाई मीन्स कोई भी एंटीजन एंटर करता है सो so उसके साथ फाइट करते हैं इसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटांसेज इनके नेम है प्रॉपर्डीन कॉम्प्लीमेंट लाइसोजाइम एटसेट्रा नेक्स्ट है सेल्यूलर फैक्टर्स सेलुलर फैक्टर्स अब जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी कुछ बैक्टीरियाज वायरसेस फनजाई क्रॉस कर लेते हैं देन हमारा आता है सेलुलर फैक्टर्स सो सेलुलर फैक्टर्स कैसे एक्ट करते हैं वैन एन इन्फेक्टिव एजेंट इन वेट्स टिशू अब इन्फेक्टिव एजेंट जो एंटीजन है उसने टिशू में एंट्री कर ली है सो so, टिशू फैक्टर वहाँ पर रिलीज होते हैं सो टिश्यू फैक्टर क्या करते हैं एन टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होते हैं जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस फन जाए एंटर हुआ टिश्यू में सो so वहाँ पर एक एग्जूडेटिव मटीरियल सिक्रीट होता है मीन सिक्रीशंस रिलीज होती हैं सिक्रीशन रिलीज होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है इन्फ्लामेशन हो जाती है सो so, जब कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है सो so उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक्शन शो करती है या कुछ रिएक्ट करती है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन जैसे कि रेडनेस जैसे कोई भी एंटीजन श, आ, एंटर हुआ तो रेडनेस स्किन में स्किन में हमें शो होती है सो so, वो एक इन्फ्लामेशन का साइन है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और जैसे ही एंटीजन एंटर होता है वहाँ पर सिक्रीशन स्टिमुलेट होती हैं उसकी वजह से वहाँ पर फैगोसाइट्स आ जाते हैं फैगोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेते हैं एंटीजन को इंगल्फ कर लेते हैं इंगल्फ मतलब उनको खा जाते हैं और उनको किल कर लेते हैं सो so, फैगोसाइटिक सेल्स इंजेस्ट दिस ऑर्गेनिजम्स एंड किल दैम सो सेलुरर फैक्टर क्या है ओवरऑल कि जब भी कोई आ, एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ टिश्यू में एंटर हुआ तो वहाँ पर फैगोसाइट्स आ जाते हैं जो कि उनको किल कर देते हैं सो so, ये हमने इन नेट इम्यूनिटी में थ्री स्टडी किए फर्स्ट हमने एपिथीलियल सरफेस स्टडी किया था दैन हमने एंटी बैक्टीरियल सब्सटांसिस स्टडी किए और अब हमने स्टडी किया है फैक्टर्स नेक्स्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी भी इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं द acquired एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज़ नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी सो ये हमें बर्थ से नहीं मिलती ये हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम इसको एक्वायर करते हैं या अडैप्ट करते हैं सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर टू टाइप्स की होती हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी इसको डिटेल में स्टडी करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी सो एक्टिव इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है फर्दर नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी सो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है ये हमें थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से मिलती है फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया सो so, उसके बाद चाहे वो क्लिनिकल हो या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो चाहे वो इन्फेक्शन नोटिस हो यानी क्लिनिकल इन्फेक्शन हमें सिम्टम्स हो रहे हैं सब क्लिनिकल कि वो इन्फेक्शन हमें नोटिस नहीं हुआ इतना सिम्टम uh, शो नहीं किए सो so, इसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है दूसरा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हम वैक्सीनेशन के थ्रू एंटर करवाते हैं बॉडी में सो so, वैक्सीनेशन जब हमने दी वैक्सीनेशन वो होती है जो हमें Uh, किसी स्पेसिफिक एंटीजन से प्रिवेंट करती है जैसे कि पोलियो वैक्सीन जो कि पोलियो वायरस से प्रिवेंट करती है सो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस होती है आर्टिफिशियल इसलिए कहा क्योंकि ये मैन मेड है हमने वैक्सीनेशन प्रोड्यूस की और फिर एंटर की बॉडी में अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग क्योंकि ये हमारी बॉडी की मेमोरी में फिक्स हो गई कि ये वाला इन्फेक्शन हुआ था और इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनानी है सो so, ये इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग रहती है पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स जैसे कि एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाए लाइफ में तो ये इन्फेक्श इन्फेक्शन अगर डेवलप हो जाए सो so ये इम्यूनिटी लाइफ टाइम हमारी बॉडी में रहेगी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट नेक्स्ट so, है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ प्रोड्यूसड बाय वैक्सीनेशन द वैक्सिन आर प्रपेयर्ड फ्रॉम लाइव अटैनुएटेड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो जो वैक्सीनेशनस होती हैं जो वैक्सीन्स होती हैं वो लाइव वायरस से भी या बैक्टीरिया से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं ये जो वायरस होते हैं लाइव अटैनुएटेड और किल्ड सो लाइव और अटैनुएटेड वैक्सीन्स वो होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके बनाई जाती हैं वीक मतलब तब वो इतने वायरलेंट नहीं रहते सो so, बट वो स्टिल एंटीजन इतने एंटीजन है कि उनसे वैक्सीन बनाई जाए इनको बोलते हैं लाइव अटैनुएटेड और किल्ड होती है जो पूरी तरह से इनएक्टिव होते हैं वायरस सो so, इनसे हम वैक्सीन्स बनाते हैं और या फिर इनके टॉक्सोइड से भी बना सकते हैं जो कि इनएक्टिव टॉक्सिन होते हैं लेकिन वायरलेंट होते हैं सो so, इन सब से वैक्सीनेशन प्रोड्यूस होती है और ये हम बॉडी में एंटर कर देते हैं डायग्राम में आप देख सकते हैं नेचुरल इम्यूनिट एक्टिव इम्यूनिटी कब बनी जब इन्फेक्शन हुआ और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमने वैक्सीनेशन के थ्रू इंसर्ट की बॉडी uh, में ठीक है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू हमने इंड्यूस की मैकेनिज्म अब ये कैसे एक्ट करता है एक्टिव इम्यूनिटी हमारी कैसे एक्ट करती है एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यूजली इन पैरलर सो एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड सो हम अब इनको पढ़ते हैं हिमोरल और सेल मेडिएटेड क्या होती है हिम्यल इम्यूनिटी क्या होती है इट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी सो एंटीबॉडी मैंने पहले ही बताया एंटीबॉडी वो होते हैं जो कि एंटीजन को किल करते हैं एंटीजन के साथ बाइंड होकर उनको किल करते हैं सो so, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं हिम्योरल इम्यूनिटी इट डिपेंड्स ऑन द सिंथिस ऑफ एंटीबॉडी बाई प्लाज्मा सेल्स सो जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं दिज सेल प्रोड्यूस स्पेसिफिक सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी विच कंबाइन स्पेसिफिकली विद एंटीजन सो ये एंटीबॉडीज क्या होती है एंटीजन के साथ कम्बाइन हो जाती है सो स्पेसिफिकली बी लिम्फोसाइड्स ही मोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं सो बी लिम्फोसाइड्स ही मोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और बी लिम्फोसाइड क्या काम करते हैं कि एंटीजन को ढूंढते हैं और उनके साथ कम्बाइन हो जाते हैं सो इट एक्ट एज ए इंटेलिजेंट लिफोसाइट सो बिल्फोसाइट एक तरह का इंटेलिजेंट इम्फोसाइट है जो कि ढूंढ लेता है एंटीजन को और उसके साथ कंबाइन हो जाता है सो so, इसको बोलते हैं हिमोरल इम्यूनिटी नेक्स्ट है सेलमेडिएटेड इम्यूनिटी जिसको सी एम आई भी बोलते हैं सो सेलमेडिएटेड इम्यूनिटी डिपेंड्स ऑन टील इम्फोसाइट्स हिमोरल बी लम्फोसाइट है और सेलमेडिएटेड टील इम्फोसाइट है डेवलप्ड अगेंस्ट सर्टन एंटीजन एक बार हिमोरल इम्यूनिटी ने फाइंड आउट कर लिया है एंटीजन का है फिर टील इम्फोसाइट सिक्रीट होते हैं जो कि एंटीजन के साथ कंबाइन होकर उनको किल कर देते हैं द सेल मेडिटेड इम्यूनिटी बाय सेंसिटाइज स्टील इन्फोज इम्पोर्टेंट इन रेजिस्टेंस टू क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और स्पेसिफिकली जब क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ये काम में आती हैं। अब हमने एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है सो पैसिव इम्यूनिटी इज़ बोर्ड फ्रॉम अनदर सोर्स एंड इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड कैन बी यूज टू सप्रेस एक्टिव इम्यूनिटी विच मे बी इंजूरियस सो पैसिव इम्यूनिटी थोड़े टाइम के लिए हम उधार लेते हैं बोरो करते हैं सो so, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती शॉर्ट होती हैं ये कब यूज़ होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिव इम्यूनिटी जब हमें सप्रेस करानी हो या दबानी हो फॉर एग्जाम्पल जब मदर आर एच नेगेटिव होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पर अगर बेबी आर एच पॉजिटिव है सो तो इन दोनों में रिएक्शन हो जाती है और मदर की डेथ हो सकती है सो तो इसके लिए हम आर एच इम्यूनोग्लोबिल्स मदर के अंदर पहले से ही एंटर करवाते हैं इम्यूनोग्लोबिल्स मतलब एंटीबॉडीज पहले से ही एंटर करवाते हैं सो तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी और ये हमें प्रोटेक्ट करती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी से सो पैसिव इम्यूनिटी भी टू टाइप की होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिलती है इट इज़ ट्रांसफर्म फ्रॉम द मदर टू फीटस और इन्फेंट सो ये मदर से बेबी में फीटस में या इन्फेंट में ट्रांसफर होती है थ्रू ट्रांसप्लेसेंटली भी हो सकती है प्लेसेंटा से भी ये एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं या फिर जब बेबी इन्फेंट मिल्क लेता है मदर से कोलोस्ट्रम जो कि फर्स्ट मिल्क होता है जो कि मदर फीड करवाती है उसके थ्रू भी एंटीबॉडीज़ बेबी में चल जाती है और उसका इम्यून सिस्टम जब तक मेच्योर नहीं होता बेबी का तब तक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बेबी को इम्यूनि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है सो so, ये शॉर्ट टर्म के लिए जब बेबी का अपना इम्यून सिस्टम मेच्योर हो जाएगा सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हमने पहले ही बताया इसमें हम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एंटीबॉडीज़ का मतलब पेरेंट्रल मतलब होता है अदर देन ओरल रूट सो लाइक आई हम दे सकते हैं इंट्रामस्कुलरली एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर सकते हैं सो so, ये जैसे कि होते हैं हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल और ह्यूमन ओरिजिन सो एनिमल्स या ह्यूमन में हम पहले से ही इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और फिर जिसको नीड होती है उसको हम इंजेक्ट uh, कर देते हैं अब डिटेल में हम शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं समरी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने पढ़ा इन नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी सो इन नेट इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से ही मिलती है जैसे कि हमारे स्किन टिश्यूज ऑर्गन सेल्स जिससे हम जो हमें जन्म से ही मिलती है नेक्स्ट एक्वायर्ड में इम्यूनिटी जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं इसमें आता है एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और इन वैक्सीनेशन सो एक्ट एक्वायर्ड में हमने दो पढ़े थे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी में हमने क्या पढ़ा कि जो हमें इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से मिलती है सो so इसमें दो थे नेचुरल और आर्टिफिशियल नेचुरल हमें कोई भी एंटर इन्फेक्शन एंटर होता था उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती थी उसको बोलते हैं नेचुरल क्योंकि ये नेचुरली बनी आर्टिफिशियल जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है वैक्सीनेशन के थ्रू सो so हमने वैक्सीनेशन दी तब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी जो हम रिसीव करते हैं एंटीबॉडीज़ किसी और से और थोड़े टाइम के लिए इसमें भी दो आते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल इसमें आता है लाइक एन नेचुरल में मदर ने uh, बेबी को दी थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल रूट या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू और आर्टिफिशियल जो हमने आ, किसी और से ली एंटीबॉडीज रिसीव फ्राम अ मेडिसिन जैसे कि गामाग्लोबलिन इंजेक्शन जो हम मदर को देते हैं सो वो एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है या फिर हाइपर इम्यून सीरास जो हम बनाते हैं लास्ट है अदर इम्यूनिटी जैसे कि कम्बाइंड इम्यूनाइजेशन इसमें हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों को कम्बाइन करते हैं लोकल इम्यूनिटी कब डेवलप होती है कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे अंदर एंटर हो गया या कोई भी वायरल वैक्सीन हमने एडमिनिस्टर की तो उस लोकल रूट में उस पर्टिकुलर प्लेस में इम्यूनिटी बन जाती है जैसे कि इंट्रानेजली हम अगर कुछ एंटर कर रहे हैं नोज़ के थ्रू सो वहाँ पर लोकल इम्यूनिटी बन जाती है साइट ऑफ एंट्री पे और लोकल इम्यूनिटी में बेसिकली एंटीबॉडी आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक्ट करता है दैन अ हर्ड इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ओवरऑल रेजिस्टेंस इन अ कम्युनिटी फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ अ कंटेजियस डिसीज़ विद इन अ पॉपुलेशन दैट रिजल्ट्स इफ अ सफिशिएंटली हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल आर इम्यून टू द डिसीज स्पेशली थ्रू वैक्सीनेशन सो हर्ड इम्यूनिटी कब होती है जब एक पूरी कम्युनिटी में या फिर एक बड़े एरिए में कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया सो so, उसके थ्रू हमने प्रिवेंट करना है जैसे कि हम वैक्सीनेशन सबको प्रोवाइड करेंगे उसके लिए तो तब पूरी कम्युनिटी में पूरे एरिया में उस इंफेक्शन को लेकर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा उस इन्फेक्शन से पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया इम्यून होगा वो तब होगा जब हम पूरे एरिया में उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे या फिर अपने आप से आ, कोई एक आ, इतना ज़्यादा सीवियर एंटीजन नहीं है सो तो अपने आप से उस एरिया में पर्सन पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है सो कोरोना वायरस स्प्रेड के लिए जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगी मतलब पूरी कम्युनिटी में तब तक वैक्सीने तब तक इम्यूनिटी नहीं बनेगी जब तक उसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं आएगी जैसे ही कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन आ जाएगी और सबको एडमिनिस्टर हो जाएगी वो वैक्सीनेशन सो तो पूरे एरिया में उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी सो दिस इज़ अबाउट इम्यूनिटी आई होप ये आपको समझ आ गई हो वीडियो एंड अगर प्लीज़ आपको ये समझ आई आई हो वीडियो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमन एम्पावरमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग